अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कीमे वाला पुलाव बनाने लगी हूँ। ये देखें कीमे वाला पुलाव, इसमें मैंने प्याज डाला है, ज़ीरा डालने लगी हूँ इसमें। ब्लैक हो गए हैं, बल्कि ब्राउन की बजाय ब्लैक हो गए हैं। इसमें मैंने ये कीमा डाला है, ये देखो प्याज ब्राउन हो गए थे, ज़रा ज़्यादा ही हो गए। इसमें मैंने कीमा फेंक दिया, कीमा डाला है, ये देखो। अब ये कीमा भूनूंगी। इसमें ये चीज़ें जो डालनी है मैं बता रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखो साबुत मसाला, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और लाची, ये लाचियाँ हैं, सब्ज़ लाची, ठीक है। ये देखो मैं इसमें डाल दी। अच्छा, ये अचार है, नींबू, मिर्च वगैरह हर चीज़ इसमें डली हुई है, मसाला ये भी मैंने इसमें डाल दिया। देखें, अब ये नमक है, ये नमक मैंने तो इसमें 1.5 चम्मच डाला है, लेकिन आप जो बनाए ना अपने चीज़ के मुताबिक चीज़ें डालें। ये कुटी हुई मिर्च है, देखें, ये काली मिर्च है कुटी हुई, ये देखा, हाँ मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब ये टमाटर और हरी मिर्च, देखें सब्ज़ मिर्च और टमाटर, ये मैं डाल रही हूँ। ये मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक चीज़ें डालती हूँ, मैं जितनी बनानी होती है ना उसमें, तो जो आप बनाएंगे ना उसको अपने अंदाज़े के मुताबिक बनाना, तो उसमें कितना डालना, ये नहीं कि मैं इतना डाल रही हूँ तो आप इतना डाल के तो थोड़ी सी चीज़ को ख़राब करके बैठ जाए, तो हाय हमने तो इस बुढ़िया की बात मान के अपना सत्यानाश कर लिया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी चीज़ हो उतना ही मसाला डालना चाहिए, कम हो तो कम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये मैं कीमा भूनूंगी अच्छी तरह से, और चावल भगो के मैंने घंटा पहले रखे हुए हैं, तो ये देखा कीमा पानी छोड़ रहा है और मसाला तैयार हो रहा है। देख लिया, ये मसाला तैयार हो रहा है। जब ये तैयार हो जाता है इसको अच्छी तरह भून लूँगी, फिर इसमें पानी डालूंगी। 3 गिलास चावल है मेरे पास भिगे हुए, 6 गिलास पानी मैंने डालना है इसमें। तो फिर मैंने इसमें अभी मैंने मटर डालने, मटर है, ये मटर निकाल के रखे हुए मैंने, ये मटर अब डालने लगे इसमें। कीमा और मटर का पुलाव, ये कीमा है बकरे के गोश्त का, बीफ वगैरह मैं नहीं बोलूँगी, मुझे जो पंजाबी या उर्दू आती है ना, जलाबी उर्दू इसको कहते हैं, ना पंजाबी और ना उर्दू, और मटन का गोश्त, मटन उर्दू में मटन कहते हैं तो हम बकरा कहते हैं, ठीक है। ये बकरे का गोश्त है, ये बकरे का कीमा है, ठीक है। इसका मैं पुलाव बना रही हूँ, तो ये देखना बनता है तो कितना मज़े का, खूब मज़े का बनेगा, ठीक है। पहले मैंने आपको कितनी चीज़ें बना के दिखाई हैं, अभी मैंने तो ये बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, आप देखते जाएं क्या क्या बनता है, और पसंद करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, मेरा तो काम है बनाना, तो वो तो मैं आपको दिखाने के लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है खाने बनाना, तो वो मैं बनाती रहती हूँ, बनाती इसी तरह हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली इसी तरह के खाने खाती है और खुश होती है। मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं और नवासी हैं, तो मैं सब के लिए खुद ही बनाती हूँ। काम छोड़ दो, अब बूढ़ी हो गई हो तुम, बैठ जाओ। मैं कहती हूँ मैं क्यों मथाज होकर बैठ जाऊँ, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, चारपाई पे बैठी होगी ज़िंदगी तक, पता नहीं कितनी लंबी है, कब ख़त्म होती है कब नहीं होती, तो बैठ के मथाजी हो जाएगी, किसी से पानी मंगूंगी कोई देगा या ना देगा, कोई बना के देगा या ना देगा, अभी तक तो मैं कपड़े भी खुद धोती हूँ, हाँ, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। ये नहीं कि बीमार नहीं हूँ, बीमार भी हूँ,
बीमारियां भी बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है। किस चीज़ से? कि अल्लाह के कलाम से। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। बीमारियां में मुझे हेपेटाइटिस सी था, मैंने इलाज कराया और जो मेरे गुर्दे बिल्कुल ही ख़त्म है, गुर्दे तो है ही नहीं, शुगर भी है, लेकिन मुझे देखने वाला कोई कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, तो आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और करम से इसको इसका तजर्बा करेंगे कि वाकई बुढ़िया ने सही बोला है या गलत बोला है। क्योंकि आप सूरत रहमान सुबह दोपहर और पेशी और शाम इशा को रोज़ाना सुने तो हा मीम ला यून सबू ये लफ्ज़ चलते फिरते बैठे उठे लेटे पढ़ते रहे तो अल्लाह ताला सेहत कर देता है, तंदुरुस्ती देता है। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह की दुआओं की ज़रूरत पड़े। सुबह के वक्त उठो, नमाज पढ़ो और सूरत यासीन पढ़ो, अल्लाह से मांगो। जिसको दिल की तकलीफ़ है कभी हो ही नहीं सकता कि वो सूरत यासीन पढ़े और अल्लाह से मांगे तो उसे सेहत ना मिले। क्योंकि अल्लाह ताला से ये फरियाद ज़रूर करें, क्योंकि वो देने वाला है, वो ही तो देता है। तो उससे ये बोलें कि ये कुरान पाक का दिल है, सूरत यासीन कुरान पाक का दिल है। तो हम तो इंसान हैं, हमारे दिल की ये क्या कौत है। तो अल्लाह ताला इस दिल के सदके हमारे दिल को सुकून दे, दिल को आराम दे, तो अल्लाह ताला सेहत देता है। मेरी बातों पे गौर करें और मेरी बातें सुने और इनको इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला से देखें तुम्हें क्या क्या मिलता है। क्या कुछ नहीं मिलता इससे, दुनिया की हर चीज़, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिलता है। अल्लाह ताला का जिक्र किया करें, अल्लाह ताला को याद करा करें, अल्लाह आगे फरियाद किया करें तो सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। पानी डालूँ, अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। आप ऑयल छोड़ दिया, कीमा भून गया है, सब कुछ तैयार हो गया मसाला, अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। मैंने ये 3 गिलास पानी है और ये मैं 6 गिलास पानी डालूँगी। आप 1 गिलास चावल हो, अच्छे चावल हो तो उनके साथ बराबर का पानी डालना चाहिए। ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब इसको उबाले आएंगे, ये पक जाएगा, कीमा गल जाएगा, मटर गल जाएंगे, फिर मैं इसमें चावल डालूँगी, आपको दिखाऊँगी, फिर मैं साथ ही इसके भिगो के रखे हैं ये चावल, देखो ना मैंने भिगो के रखे हुए, 1 घंटा हो गया इनको, ये नरम हो गया। ये जितनी ज़्यादा चावल भिगो के रखेंगे उतने ही अच्छे बनते हैं। कुछ लोग भगोते हैं और पका लेते हैं तो वो अच्छे चावल नहीं बनते, जो भिगो के रख देना तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें पानी कैसे जोश में उबाले दे रहे हैं। अब इसमें मैं ये चावल डालने लगी हूँ, ये देखें ये मैंने चावल डाल दिए। मैं नमक चेक करने लगी हूँ थोड़ा सा इसमें कैसा है, नमक कम है इसलिए मैं नमक और डालूंगी। अब उबाले आ रहे हैं, थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम दे दूंगी, फिर दम पटूंगी, फिर चावल डालूंगी, आपको दिखाऊंगी, खाइएगा देखिएगा, तो फिर लाइक और कलेक्ट कर दीजिए। हो गए हैं इनको मैंने, ये अगर ज़रा सख्त रह जाए चावल तो ये जो कपड़ा है इसको तवा गीला कर ले, तो ये मैंने दम दे दिया और ऊपर वज़न रख दिया, ये देखिए हाँ ये हल्की सी आंच कर दी। अब इसको 10-15 मिनट तक इसी पे रखना है, ठीक है, तो फिर तैयार हो जाएंगे। और रहमान रहीम ये मैं अब दम पटने लगी हूँ, देखें ये देखें चावलों की शक्ल देखें, पहले ये कितने प्यारे कितने मज़े के बन गए हैं, देखो एक एक चावल लगा और कीमा भी साथ।
तो ये देखें कितने मज़े के और कितने अच्छे, ये इस तरह से खोल लें सारे एक बार, तो फिर डालना शुरू कर दें, क्योंकि मिक्स हो गए हैं। तो ये मैं डालने लगी हूँ प्लेट में, देखो बटर भी है इसमें, देखो सब कुछ पड़ा हुआ है। चावल प्लेट तैयार, देखो ये अचार भी ऊपर आ गया, ये मटर भी हैं जो कुछ डाला नज़र आ रहा है, ये देखो। अब खा के बताएं, बनाएं, खाएं और बताएं, और लाइक और क्लिक कर देना।